ना भूलेंगे और ना ही माफ करेंगे, ये कहना है सीआरपीएफ के डीआईजी अनिल ढौंडियाल का, जो कि अजमेर में उन्होंने ये बातें कही। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद देश में रोष है, सभी पाकिस्तान को जवाब देने की मांग कर रहे हैं। सीआरपीएफ के जीसीए 1 के डीआईजी अनिल ढौंडियाल ने कहा कि हमारे जवानों ने देश के लिए शहादत दी और देश को एक माला में पिरो गए हैं। सीआरपीएफ के जवानों और डीआईजी से बात की हमारे सहयोगी भूपेंद्र विश्नोई ने। वो चले गए हमें बचाने में। जी हाँ, पुलवामा हमले में जिस तरह सैनिक शहादत दी है सैनिकों ने, उसके बाद सीआरपीएफ में कैसा माहौल है, क्योंकि इन्हीं जवानों ने जो है अपने साथी खोए हैं। इन्होंने जो है वो सब जो जवानों के सब है अपने कंधे पर उठाए हैं और अंतिम यात्रा में पहुंचे हैं। मेरे साथ मौजूद है जीसीए 1 के डीआईजी साहब। डीआईजी साहब, आप खुद जो है जवानों की अंतिम शव यात्रा में गए थे, किस तरह का पूरा माहौल था? देखिए, राजस्थान के 5 जवान इस कायराना हरकत में शामिल मैंने शहीद हुए हैं। भरतपुर में जीत राम जी के यहाँ मैं गया था जीसीवन की टीम लेकर के, सलामी देने के लिए, परिवार से मिलने के लिए, सांत्वना देने के लिए और सम्मान प्रकट करने के लिए। जो माहौल वहाँ पे मैंने देखा, पूरा समाज इतनी दूरी तक फैला हुआ था, दूर दूर गांवों से लोग आए, हज़ारों की संख्या में भीड़ थी और बहुत से संगठनों ने अपने कार्यक्रम रद्द किए थे, जैसे व्यापारी संघ ने दुकानें बंद रखी हुई थी। और एक माहौल में परिवार में दुख तो था ज़रूर, लेकिन परिवार में गर्व भी मैंने महसूस किया कि उन्होंने देश के लिए, ये लोग गए शहादत दी लेकिन हमें जोड़ के गए। मैं इस अवसर पर एक बात आपको बोलना चाहूँगा, वी विल नॉट फॉरगेट एंड वी विल नॉट फॉरगिव। ना हम भूलेंगे और ना हम इनको माफ़ करेंगे। इस पूरी घटना के बाद दूसरे जवानों से बात करता हूँ। इन्होंने जो है अपने साथी खोए थे और कहीं ना कहीं जो अंतिम शव यात्रा है वहाँ भी ये शामिल होकर आए हैं। ये जो जवान हैं, तमाम ये जवान हैं, वहाँ गए थे और अपने साथियों को जो है अंतिम शव यात्रा तक पहुँचे। हुक्माराम जी, आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह जो आप उस समय पहुँचे थे तो कैसा माहौल था, और अब जो अपना साथी खो दिया है तो किस तरह आपके मन में जो है भावनाएँ हैं? सर, बहुत ही गमगीन माहौल था वहाँ पर, बहुत दुखी मन से गए थे हम लोग, लेकिन अब हम हमारे दिल में है कि हम उनका बदला लेंगे, ज़रूर लेंगे, जो है हमारा में अभी भी, और हम समय आने पे हम उनको बता देंगे, उनका बदला ज़रूर लेंगे। ये थे वो जवान जिन्होंने तय किया है कि वे अपने साथियों का बदला ज़रूर लेंगे, ना भूलेंगे ना माफ़ करेंगे। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ भूपेंद्र बिश्नोई, फर्स्ट इंडिया न्यूज, अजमेर।